दिमन दिस इज भूपेंद्र सिलावट। आप देख रहे हैं मैथ्सवाणी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में हम परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज का यूज कैसे और कहां करते हैं सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी मीन बाय परसेंटेज सो हियर यहां पे जो परसेंट का मतलब होता है इट मींस सेंट का मतलब होता है 100 सो द रेशियो ऑफ अ नंबर टू हंड्रेड इट मीन्स पर सेंट मतलब पर हर सौ का हिस्सा इट मींस अगर मैं बात करता हूँ सेवेंटी फाइव की तो अगर मैं बात करता हूं, 75 की, हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आउट ऑफ सेवनटी फाइव की बात करता हूँ जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं जैसे आपको मिलते हैं सेवनटी सेवेंटी एट मार्क्स मिले अगर आपको मैथ्स में आउट ऑफ हंड्रेड तो आपको हंड्रेड में सेवेंटी एट मिले इट मीन आपका सेवेंटी एट परसेंट हुआ इट मीन्स जो भी हिस्सा हंड्रेड पर हंड्रेड में आएगा वो आपका परसेंटेज होगा सो अ रेशियो ऑफ अ नंबर टू हंड्रेड कॉल परसेंट परसेंट मीनस पर हंड्रेड इट मींस हर हंड्रेड का हिस्सा एंड इस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल परसेंट सो इस तरीके से हम परसेंट को रिप्रेजेंट करेंगे लाइक रेशियो इट इज यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज जैसे हम रेशियो में टू क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं वैसे ही हम एक परसेंटेज में भी टू क्वांटिटीज को कंपेर करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टूडेंट लाइक फुटबॉल सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन मंथली एक्सपेंसिव फिफ्टी फाइव परसेंट चिल्ड्रेन लाइक टू म्यूजिक सिक्सटी परसेंट ऑफ गर्ल लाइक प्ले बैडमिंटन सो वॉट डज ऑल दीज स्टेटमेंट मीन्स इट मीन्स ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है सो so, देखते हैं वन बाय वन सो फर्स्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टूडेंट लाइक फुटबॉल इट मीन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब क्या होता है मीन्स ट्वेंटी फाइव पार्ट आउट ऑफ हंड्रेड इट मीन्स हर सौ वे पार्ट में आपके पच्चीस परसेंट की फिफ्टी फाइव पार्ट की बात कर रहा हूँ हर हंड्रेड में 25 ट्वेंटी फाइव की बात कर रहा हूँ तो वो होता है आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट इट मीन्स आउट ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट लाइक फुटबॉल सो हर सौ बच्चे में से ट्वेंटी फाइव बच्चे आपके फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं या फुटबॉल को लाइक करते हैं और हम परसेंटेज को ट्वेंटी फाइव परसेंट को लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड मैंने आपको बताया था हंड्रेड मीन्स यहां पे टोटल पार्ट आते हैं फ्रैक्शन में आपका टोटल पार्ट और यह आपका सिलेक्टेड पार्ट सो so, ट्वेंटी फाइव परसेंट को आप ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड भी लिख सकते हैं नाउ सेवेंटी फाइव परसेंट मीन सेवेंटी फाइव पार्ट आउट ऑफ हंड्रेड इट इट मींस फाइव आउट ऑफ एवरी हंड्रेड दर्ड इज स्पेंट ऑन मंथली एक्सपेंसिव मतलब अगर मैं हंड्रेड रुपीज कमाता हूं उसमें से ट्वेंटी खर्च कर देता हूं अपने मंथली एक्सपेंस में ना फिफ्टी फाइव परसेंट मीन मीन पार्ट ऑफ हंड्रेड इट मीन फिफ्टी फाइव अपन हंड्रेड इट मीन फिफ्टी फाइव आउट ऑफ एवरी हंड्रेड चिल्ड्रेन लव लिंग टू म्यूजिक सो हर सौ बच्चे के हर सौ बच्चों में फिफ्टी फाइव बच्चे गाने सुनना पसंद करते हैं सिमिलरलीसेंट का मतलब क्या होता है इट मीनस like हर सौ लड़कियों में से सिक्सटी सिक्स लड़कियाँ सॉरी लड़कियाँ फुटबॉल बैडमिंटन खेलना पसंद करती हैं सो दिस इज सिक्सटी लड़कियाँ फुटबॉल खेलना पसंद करती हैं तो ये होता है एक परसेंटेज का मीनिंग नाउ हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इन टू परसेंटेज हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सो so, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जैसे अगर मैं बात करता हूँ टू अपॉन थ्री इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में तो आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे सो इट मीन्स टू हंड्रेड अपॉन थ्री ये हो गया आपका परसेंटेज में कंप्लीट अगर मैं बात करता हूं अपॉन फाइव की सो so कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप डायरेक्ट हंड्रेड से मल्टीप्लाई कीजिएगा सो फाइव 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 ट्वेंटी फोर्टी परसेंट ओके इस तरीके से आप फ्रैक्स फ्रैक्शन को परसेंटेज में कंप्लीट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग हंड्रेड ओके नाउ हाउ टू कन्वर्ट डेसीमिल इन टू परसेंटेज सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसीमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में इट मीन्स मैं बात करता हूँ सेवन अपॉन टू की तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में इट मीन्स वो हो जाएगा आपका सेवनटी टू अपॉइन टेन क्योंकि डेसीमिल के बाद वन डिजिट है तो सेवेंटी टू अपॉन्ट टेन नाउ इसको आपको कन्वर्ट करना परसेंटेज में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड का सो so, ये वन जीरो से वन जीरो का आंसर जाएगा इट मीन्स आपका आंसर हुआ सेवन ट्वेंटी परसेंट ओके सो इस तरीके से आप डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में नाउ कन्वर्धन रेशियो इन टू परसेंटेज आपको कन्वर्ट करना है रेशियो को परसेंटेज में सो so, अगर बात करता हूं टू रेस टू थ्री की फर्स्ट ऑफ ऑल टू रेस टू थ्री को मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में इट मींस टू अपॉन थ्री नाउ टू अपॉन थ्री को मैं, मुझे करना है कन्वर्ट परसेंटेज में तो हंड्रेड का मल्टीप्लाई इट मीन्स किसी भी क्वांटिटी में अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड के साथ में नाउ परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन और डेसीमिल और रेशियो अगर हमें एक परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में डेसीमिल में या रेशियो में तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमें जैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल को या रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते थे सिमिलरली हम यहाँ भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से डिवाइड करेंगे सॉरी यहाँ पे हम हंड्रेड से डिवाइड करेंगे वहाँ हम कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे अब यहाँ कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे हंड्रेड का इट मीन्स मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन की इट मीन्स टू अपॉन थ्री की तो इसमें हम डिवाइड करेंगे हंड्रेड का इट मीन्स वन अपॉन हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम वहाँ हंड्रेड का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन हंड्रेड का सिमिलरली अगर डेसिमल को कन्वर्ट करना है तो भी अब यहाँ पे को कन्वर्ट करना है पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना देन वन अपॉन हंड्रेड से आप इसका मल्टीप्लाई करना सिमिलरली रेशियो को भी अगर मैं टू रेस टू थ्री की बात करता हूँ तो आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में देन वन अपॉन हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन सिंगल और रेशियो नाउ देखते हैं फिर से इसको अगर हमको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंट में तो हम हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही अगर एक परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो हम बन अपॉन हंड्रेड का मल्टीप्लाई या हंड्रेड का डिवाइड करेंगे नाउ अगर एक डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो हम भी हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो इसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिमिलरली एक रेशियो को भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और बनापॉन हंड्रेड का मल्टीप्लाई करके इट मीन्स हंड्रेड का डिवाइड करके आप किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन या रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं आप किसी परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन या रेशियो में सो so, फ्रैक्शन डेसिमल और रेशियो में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड का और परसेंटेज को चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हंड्रेड का ना नंबर लाइन सो हमें पता है कि अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर मैं बात करता हूं आउट ऑफ हंड्रेड की तो इट मीन्स हमें पता है कि मैं जीरो और वन को हम टेन हिस्सों तो में डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके डेसिमल पॉइंट्स में जीरो पॉइंट वन फिर ये आपका फ्रैक्शन में और अगर आउट ऑफ हंड्रेड देखें तो नाउ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम टेन परसेंट में इट मीन्स जो हमारा वन जीरो से लेकर वन तक का जो डिस्टेंस होता है जहाँ हम टेन पोर्सेंट में डिवाइड करते हैं उसको हम टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं सो so, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर आर माइल्स टब्लिकेशन बुक सो मोहन स्कोर ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ फिफ्टी इन अ टेस्ट मोहन एक बच्चा है जो ट्वेंटी फाइव स्कोर करता है आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क डिड मोहन स्कोर सो so मोहन ने कितने मार्क्स कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर किए सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट कितना है फिफ्टी है सो so यहाँ पे हमारा नीचे कितना आएगा फिफ्टी आएगा फिफ्टी में से उसने कितने परसेंटेज लेके कितने नंबर लेके आया है ट्वेंटी फाइव सो ये हो गया आपके ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ फिफ्टी अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें परसेंटेज में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड का सो so, फिफ्टी में फिफ्टी फिफ्टी टू टाइम हंड्रेड सो फिफ्टी परसेंट आपका आंसर नाउ इन अ क्लास फिफ्टी स्टूडेंट फिफ्टीन हैड एट लीस्ट वन पैट वाट परसेंट इज दैट सो फिफ्टी बच्चे हैं एक इस क्लास में वहां पर फिफ्टीन बच्चों के पास में कम से कम एक पैट तो है सो वॉट परसेंट इज दैट सो जो आपके बच्चे हैं वो कितने हैं फिफ्टी हैं फिफ्टी में से फिफ्टीन के पास पैट हैं तो अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड नाउ वॉट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉबल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट तो आपको बताना है कितने परसेंटेज बॉबल्स आपके इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स में से आउट ऑफ बॉबल्स कितने होते हैं फाइव होते हैं नौ अब आपको इसका परसेंटेज फाइंड करना है सो ट्वेंटी सिक्स में से फाइव इट मीन्स फाइव आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्वेश्चन नंबर रोहित मार्क्स आउट ऑफ एट्टी रोहित है वो फोर्टी फाइव मार्क्स स्कोर करता है आउट ऑफ एट्टी सो अब आपको इसका परसेंटेज बताना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड के साथ में सिमिलरली सीता स्कोर फाइव फाइव थ्री मार्क्स आउट ऑफ सेवन हंड्रेड एंड गीता स्कोर आउट ऑफ एट हंड्रेड नाउ अब आपको बताना है कि कौन बेटर तो को मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे Then, जिसका ज़्यादा निकल के आएगा आपका होगा. इस तरीके से आप लेट्स स्टाइप फोर को कंप्लीट कर सकते हैं नाउ हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी हम एक गिवन क्वांटिटी के कैसे परसेंटेज फॉर्म फाइंड कर सकते हैं सो फॉर एग्जांपल, वी हैव फाइंड फाइंड ऑफ़ आपको 75 के 40 करना है तो 40 का मतलब क्या होता है फोर्टी परसेंट का मतलब क्या होता है फोर्टी अपॉन हंड्रेड नाउ अब आपको निकालना है सेवेंटी फाइव का फोर्टी परसेंट इट मीन्स सेवेंटी फाइव का मल्टीप्लाई फोर्टी अपॉन हंड्रेड के साथ में सो ट्वेंटी फाइव थ्री ज़ा सेवेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव फोर ज हंड्रेड ना फोर वन ज फोर फोर टाइम दी सो थर्टी रुपीज़ आपका रिक्वायर्ड आंसर सो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हमें फाइंड करना है फाइव परसेंट ऑफ वन सिक्सटी आपको वन सिक्सटी का फाइव परसेंट करना है सो फाइव परसेंट ऑफ वन सिक्सटी ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इट मीनस आपको फाइव परसेंट का मल्टीप्लाई करना है वन सिक्सटी के साथ में सो फाइव परसेंट का मतलब क्या होता है मतलब होता है फाइव अपॉन हंड्रेड इट मींस वन सिक्सटी जीरो से जीरो कैंसिल 5 वन 5, 5 फाइव टू द टेन 2 वन जो टू टू एट दिक्सटीन सो 8 आपका रिक्वायर्ड आंसर इस तरीके से आप किसी भी एक गिवन क्वांटिटी का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं नाउ फाइंडिंग द नंबर एज अ परसेंटेज ऑफर बन अजर सो इसको एग्जांपल समझते हैं सपोज कीजिए एक बास्केटबॉल गेम चल रहा है उसमें एक लड़की है जूली वो स्कोर करती है एटीन पॉइंट अपनी टीम के पॉइंट से मतलब जो उसकी टीम है वो स्कोर करती है सेवेंटी टू पॉइंट और इसमें जूली अकेले एटीन पॉइंट कवर करती है सो क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ हर टीम पॉइंट डेड जूली स्कोर मतलब जूली अपने टीम्स के कितने परसेंटेज पॉइंट अर्न करती है तो कंप्लीट पॉइंट कितने हैं सेवेंटी टू जूली ने स्कोर किया 18, इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में तो आप मल्टीप्लाई हंड्रेड के साथ करेंगे सो एटीन वन 18, एटीन एटीन फोर जैवेंटी टू ना फोर वन जा फोर फोर ट्वेंटी फाइव टाइम हंड्रेड सो ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका रिक्वायर्ड आंसर नाउ सेकेंड क्वेश्चन वॉट परसेंट ऑफ हर टीम स्कोर्ड बॉड परसेंट ऑफ हर टीम पॉइंट डेट द रेस्ट ऑफ टीम में सो एटीन पॉइंट तो हमारे जूलियर ने स्कोर किए तो कितने परसेंटेज पॉइंट पूरी टीम ने स्कोर किए सो सिंपल है कि हमारी जूली है उसने ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्ग स्कोर किए थे ट्वेंटी फाइव स्कोर किए थे तो रिमेनिंग कितने बचे ट्वेंटी फाइव माइनस हंड्रेड माइनस ट्वेंटी बचे सेवेंटी फाइव परसेंट ओके So, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं ट्वेंटी फाइव इज वॉट परसेंट ऑफ एट्टी ट्वेंटी फाइव इज वॉट परसेंटेज ऑफ एट्टी ट्वेंटी फाइव कितने परसेंट होता है एट्टी में तो आपको यहां पे एट्टी में से 80 का 25 परसेंट बताना है कितने परसेंट पर होता है सो so, आपको यहाँ पे कंप्लीट कितना है 80 ऊपर कितना है 25 अब आपका इसका परसेंटेज फाइंड करना है सो so, ये रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ में तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा नाउ फाइंडिंग द होल नंबर यूजिंग गिवन परसेंटेज सपोज कीजिए इफ थर्टी परसेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी इज टू सेवेंटी रुपीज ओके वॉट इज अ टोटल सम ऑफ मनी टोटल सम ऑफ मनी नाउ क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो थर्टी परसेंट है किसी एक पैसे का कितना टू सेवेंटी रुपीज़ है नाउ आपको बताना है टोटल परसेंट पैसे कितने हैं सो so, इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करेंगे टोटल सम ऑफ मनी थर्टी to कि मतलब परसेंट कितना है टू सेवेंटी रुपीज है कितना है है उस का ना आपको बताना है कि आपके पास टोटल कितने पैसे हैं कि उसका थर्टी परसेंट टू सेवेंटी रुपीज है तो इसके लिए आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सो यहाँ पे थर्टी परसेंट का मतलब क्या होता है थर्टी अपॉन हंड्रेड होता है Is equal to 270. So, अब आप इसको transfer करेंगे तो आपका 100 है मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में Now, आपका है multiply में, तो ट्रांसपोज होने के बाद डिवाइड में सो थर्टी वन थर्टी थर्टी नाइन जू से नौ 900 हंड्रेड आपके रुपीस थे और नाइन हंड्रेड का थर्टी परसेंट होता है टू सेवेंटी रुपीज इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज सो इसको समझते हैं हम एक क्वेश्चन से प्रिया मदर गिव हर फिफ्टी रुपीज एज पॉकेट मनी सो एक प्रिया की मम्मी है वो फिफ्टीज रुपीज उसको पर वीक पॉकेट मनी देती हैं दिस बीक सी इंक्रीज इट टू सिक्सटी इस हफ्ते वो सिक्सटी रुपीज देती हैं हर वीक फिफ्टी देती थी इस बार उन्होंने वीक दिया 60 दिया नाउ इज द परसेंटेज चेंज तो जो यहां पे कितना परसेंटेज चेंज आया इट मीन्स पहले उसकी पॉकेट मनी फिफ्टी थी देन बढ़ के सिक्सटी हो गई तो कितना परसेंट चेंज आया तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है विच इज न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट सो इस फॉर्मूले में आप पुट करके आप इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं सो आपकी न्यू वैल्यू कितनी हुई सिक्सटी पहले कितनी थी फिफ्टी अपऑन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सप्रेड करेंगे तो आपका आएगा टेन अपॉन फिफ्टी मल्टीप्लाई हाई हंड्रेड ना फिफ्टी वन टाइम टू टाइम हंड्रेड सो ट्वेंटी आपका रिक्वायर्ड आंसर नाउ फन एज एस्टिमेशन सपोज आपको एक्सप्रेस करना है फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ 152 आपका इसको एस्टिमेशन फाइंड करना है ओके वन फिफ्टी टू का 47 परसेंट एस्टिमेट परसेंट क्या होगा सो so, आप 47 परसेंट किसके नियर है यह आपका 50 परसेंट के नियर सो so, आप 50 परसेंट फाइंड करेंगे 152 का 152 फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी परसेंट इट मीनस वन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी अपॉन हंड्रेड सो जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आपका फाइव निकालना पड़े फोर्टी परसेंट ऑफ थ्री एटी फाइव तो यहां पर आप यहां पे आपका फोर्टी तो आपका पहले से ही एस्टिमेट में ही है तो हम थ्री एटी फाइव को एस्टिमेट में करेंगे तो ये है आपके नियर फोर हंड्रेड सो फिर आप फोर्टी परसेंट फाइन करेंगे फोर्टी का सपोज कीजिए आपको फाइव जीरो एट का थर्टी फाइव परसेंट एस्टिमेट फाइंड करना है तो आप थर्टी फाइव का भी एस्टिमेट फाइंड कर सकते हैं और फाइव जीरो एट का भी एस्टिमेट फाइन कर सकते हैं ओके तो आप दोनों को एस्टिमेट करके भी आपका आंसर निकाल सकते हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में आप 152 का एस्टिमेट 150 भी करके निकाल सकते थे सो so, इस तरीके से आप परसेंटेज में एस्टिमेट कर सकते हैं सो so, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दिस कवर माई व्हाट्सएप नंबर थैंक यू